कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। 5 बज चुके हैं और हमारी क्लासेस फिर से एक बार शुरू हो चुकी हैं। तो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उस टॉपिक की खास बात है कि इसमें बच्चों को एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। क्यों नहीं याद होते एग्जाम्पल्स? क्योंकि जब वो एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करते हैं तो एग्जाम्पल एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, मैचअप हो जाते हैं। तो जब एग्जाम्पल मैच होंगे तो उनको याद करने में दिक्कत बहुत आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने आपके लिए एक फिर से लेक्चर शेड्यूल किया कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपको एग्ज़ाम्पल वो कैसे लर्न कर लें। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अनअकैडमी का प्लेसिबो प्लेटफॉर्म हम सब एडुकेटर्स के लिए एक तोहफे की तरह है, क्योंकि हम जब फिजिकली पढ़ाते हैं तो बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन अब इस मेथड से न जाने कितने बच्चों को हम लोग क्लासेस दे पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा थैंक यू का विषय है। और ये सारे एडुकेटर्स जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब आपके साथ पूरे मंथ भर कनेक्टेड रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। बच्चों, मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपको अपने मोबाइल पर टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस एप्लीकेशन में ख़ास बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो शेयर नहीं होती एक दूसरे के साथ, वो सिर्फ आपको ही पता रहती है और किसी को नहीं पता चलती। केवल जो है इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, लेकिन आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो आपके कभी शेयर नहीं होते किसी के साथ। और हम सारे एडुकेटर्स अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम पढ़ाते हैं वो इस चैनल में डालते रहते हैं सिस्टमेटिकली। तो आपको ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए अपने मोबाइल पर। करना क्या है, पहले तो आप डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, फिर उस पर एक लिंक टाइप कर दो नीट प्लेसिबो और ज्वाइन कर लो। बस सिंपली ज्वाइन हो गए आप उस ज्वाइन होने के बाद हम लोगों से बात कर सकते हैं। सारे एडुकेटर्स उस पर अवेलेबल रहेंगे, आप उन एडुकेटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस प्लेटफॉर्म का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म आपको कुछ यूनिक चीज़ें देता है। क्विजेज एंड टेस्ट, डाउट क्लियरिंग एंड सेशंस, लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज लर्निंग, और ये सारे जो बेनिफिट आपको मिलते हैं ये किससे मिलते हैं, ये अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। तो आपको प्लस प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जब आप प्लस प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करेंगे तो प्लस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट क्या होगा, प्लस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये प्लेटफॉर्म आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने में आपको कई बार दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, आप टेस्ट में नंबर नहीं ला पाते, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर क्विजेस को सॉल्व नहीं कर पाते, आपके पढ़ाई में डाउट आते हैं आप उनको नहीं सॉल्व कर पाते, लाइव सेशन जो चलते हैं उनका बेनिफिट उठाइए अच्छे से, पर्सनलाइज लर्निंग करिए, ये सारे बेनिफिट ही तो हैं, है कि नहीं? अब ये जो टीम आप देख रहे हैं, इस टीम से क्लासेस करने के लिए आपको, ये जो टीम आपके सामने, इनकी क्लासेस को अवेल करने के लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें प्लस कोर्स सब्सक्राइब करिए, मतलब प्लस कोर्स पर क्लिक करिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए नीट, नीट यूजी या नीट एंड एम्स। पहले इंस्टॉल किया, फिर प्लस पे क्लिक किया और यहां पर टाइप कर दिया। ये सब करने के बाद आपको कहेगा सब्सक्रिप्शन करने के लिए, तो आप अपने कोर्स में जाएंगे, आपका कोर्स ये वाला है, अपने कोर्स में जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप चॉइस कर लो, 12 महीने का, क्योंकि 12 महीने में आपको फीस में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, लगभग 60% का डिस्काउंट, और अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लगभग
70% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो जो फीस होनी चाहिए 12, 5, 60 हज़ार, वो फीस आपकी मात्र 25,000 रुपये में हो जाती है। और जो फीस होनी चाहिए 1,20,000, वो आपकी 40,000 के आसपास फीस हो जाती है। तो इस फीस को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अमित 10 कोड अप्लाई करना है। दैट इज सिंपली आप यूज कर सकते हैं अमित या अमित 10। आप जैसे ही ये कोर्स अप्लाई करेंगे आपकी फीस 22,500 हो जाएगी। पहले कितनी थी 25,000, अब कितनी जाएगी 22,500। और अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो फीस होती है 40,000, लेकिन अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो कोड अप्लाई करते ही फीस हो जाएगी 36,000। गॉट इट? तो फीस बहुत ही यहाँ पर वाजिब है आपके लिए, और वैल्यू फॉर मनी भी है, और आपको इतने अच्छे एडुकेटर्स भी मिल रहे हैं। तो बस ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक मॉर्फोलॉजी में जो पहला टॉपिक है रूट आदि के बारे में, हम इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रूट के बारे में। देखिए, रूट के बारे में क्या चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहले किसी भी प्लांट में जो रूट है वो डेवलप क्यों हुआ, व्हाई रूट डेवलप इन प्लांट्स। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स में रूट नहीं पाई जाती, रूट्स आर एब्सेंट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में रूट नहीं होती, प्लांट बिना रूट के होते हैं। और इन रूट का खासियत क्या होता है, इन रूट का खासियत होता है कि ये प्लांट को एक जगह स्टैग्नेंट कर देते हैं। प्लांट कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ रूट। रूट होने की वजह से प्लांट एक जगह हो जाता है स्थिर, और इस स्थिरता से उसे बेनिफिट क्या मिलता है, इस स्थिरता से उसे बेनिफिट मिलता है वो अपने लोकल एरिया से जहाँ पर वो रहता है, यहाँ प्लांट है मान लीजिए, तो अपने लोकल एरिया से वो जल्दी एकोमोडेट होता है, जल्दी एकोमोडेट होता है। अगर वो बार बार मूव करता रहेगा तो उसमें एडॉप्टेबिलिटी का नेचर बहुत धीमे धीमे आएगा, लेकिन वो अपनी जगह स्थिर हो जाता है इसलिए उसमें एडॉप्टेशन भी उसी प्रोपोर्शनेट ज़्यादा तेजी से होते हैं। अब रूट के दूसरे व्यवहारिक बिंदु हमें ध्यान रखने कि रूट क्या होती है। पहली बात तो ग्रीन नहीं होती, लेकिन शायद आपको पता होगा कुछ प्लांट्स की रूट ग्रीन भी होती है एक्सेप्शनली। रूट जमीन के अंदर होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स की रूट जमीन के बाहर भी निकल आती, वो भी एक एक्सेप्शनल ही एक्सेप्शन ही माना जाएगा। और ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, जिधर ग्रेविटी काम करती है उधर ही रूट जाती है। और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि पानी जिधर होगा उधर उनका अट्रैक्शन होगा। एंड नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, और लाइट के अगेंस्ट चलती है, लाइट के अगेंस्ट। तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, नॉन ग्रीन और ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम है रूट। अब अगर रूट को आगे देखें तो रूट क्या होती है, रूट दो तरह की है, एक है बच्चों टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट, और एक है एडवेंटिशियस रूट। अगर इन तीनों रूट को मैं एक एक करके समझाऊं तो सबसे पहला नंबर आएगा टैप रूट का। देखो, अगर ध्यान दो तो ये सॉइल की सरफेस है, ये ऊपर स्टेम है, और यहां से नीचे ये रूट स्टार्ट हो गई, ये पूरी रूट है।
इस रूट को देख के क्या लग रहा है, इसमें एक प्राइमरी पार्ट है, ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी पार्ट है, और इस प्राइमरी रूट में ये जो ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये सेकेंडरी या टर्सरी रूट काउंट करी जाती हैं, सेकेंडरी या टर्सरी रूट। माने कहने का मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये हुई कि ये जो प्राइमरी रूट है, इस रूट के अंदर या इस रूट के पास बहुत सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं, माने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें सबसे नीचे कुछ और होता है यहाँ पर, फिर इस पार्ट को कुछ और कहते हैं, इस पार्ट को कुछ और कहते हैं, लेकिन हमने इस डायग्राम में आपको सिंपली क्या दिखाया है, मैंने इस डायग्राम में सिर्फ आपको मेन मेन पार्ट दिखाए हैं। मेन मेन पार्ट मतलब एक तो प्राइमरी रूट और उससे निकलने वाली ब्रांचेस, बस। तो वही मैंने लिखा भी है आपके लिए, देखिए कि जो टैप रूट है वो ज़्यादातर डाइकॉट में होती है, रेडिकल होती है, रेडिकल आप सबको पता है रेडिकल के बारे में, ये सीड के अंदर पाया जाता है। रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेटेड फॉर्म प्राइमरी रूट, माने किसी भी बीज को अगर बनाओ ऐसे, जैसे मान लो ये बीज है, ऐसे ये रेडिकल आ गया बाहर, और ये ग्रो करेगा, और पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा ऐसे, ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। जब ये पूरा स्ट्रक्चर ही डेवलप हो जाएगा तो इस पूरे डेवलपिंग स्ट्रक्चर या पूरे डेवलप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तब हम इस डेवलप स्ट्रक्चर को बोलेंगे भाई ये जो है, ये है टैप रूट, इसको बोलेंगे टैप रूट। और इसको टैप रूट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये रेडिकल से ही बना है, ये बिल्कुल प्रमुख बिंदु है, मेन बिंदु है, जो चीज रेडिकल से बनती है वो टैप रूट है। और टैप रूट फर्दर बियर लेटरल ब्रांचेस एंड वो बनाते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट, एग्जाम्पल मस्टर्ड कैरेट टर्निप। अब इसको याद कैसे करें, मस्टर्ड कैरेट और टर्निप, सब्जी आप खाते हैं, सलाद आप खाते हैं, तेल आप खाते हैं, ये सब चीज़ें टैप रूट के एग्जाम्पल में आती, जैसे कि टर्निप सलजम हो गया, कैरेट गाजर हो गई, और मस्टर्ड सरसों हो गया, इन तीनों में टैप रूट पाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरी रूट है जिसका नाम है फाइबरस रूट, फाइबर्स धागे, ऐसे 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 ऐसे, ये फाइबरस रूट है। और ये फाइबरस रूट कहाँ से निकलती है, ये मोनोकॉट में पाई जाती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, रिप्लेस्ड बाय फाइबरस रूट सिस्टम, और ये लोअर बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है। ये मान लो ऊपर स्टेम था, इसके बेस से निकलती है ऐसे, ये देखिए, ये मान लीजिए स्टेम है, ये स्टेम है यहाँ पर ऐसे, उसी के बेस से निकल रही है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। और इसके एग्जाम्पल हैं वीट प्लांट, राइस प्लांट, किसी भी मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है, ये इसका बेस हो गया, ये स्टेम का बेस हो गया ये, और यहीं से ऐसे 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 चीजें निकलती हैं, तब इसको बोलेंगे हम फाइब्रस रूट। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, एडवेंटिशियस रूट, बहुत जाना पहचाना नाम है, आपने बहुत सारे प्लांट में देखा होगा एडवेंटिशियस रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब ये सपोर्टिंग रूट की तरह होती हैं, और किसी बड़े स्टेम में, ये मान लो बड़ा सा स्टेम है, इस पर ऐसे 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 छोटे छोटे धागे नुमा होती हैं, और वो किसी बड़े स्टेम में चिपकी रहती हैं, बात समझ में आई। तो इन सम प्लांट रूट्स डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट देन रेडिकल, अगर रेडिकल से कोई चीज निकली है वो तो हो गई टैप रूट, लेकिन उसके अलावे किसी और पार्ट से निकली है तो उसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल है ग्रास, मोनेस्ट्रा, बेनियन ट्री, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं,
ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एडवेंटिशियस रूट के। तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। भूलने की अगर आपको डर है तो आप इसमें कम कर लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। ग्रास मत भूलिएगा, बेनियान मत भूलिएगा, स्वीट पोटैटो मत भूलिएगा, डहेलिया और मोनोस्ट्रॉप छोड़ सकते हैं। तो ग्रास, बेनियान, स्वीट पोटैटो, घास, बरगद और स्वीट पोटैटो बोले तो शकरकंद, है ना। ये तीनों एग्जाम्पल आपको बढ़िया से याद करने जिनमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। अगला आता है रूट के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे देखिए आपके शरीर में अलग अलग हिस्से हैं, पैर जहाँ जूते पहनते हैं आप, फिर आपके पैर जहाँ पैंट पहनते हैं, फिर थोरेक्स जहाँ पर आप शर्ट्स पहनते हैं, फिर आपका हेड जहाँ आप कैप लगाते हैं। तो शरीर के अलग अलग भाग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वैसे ही रूट के अलग अलग भाग हैं। ये देखिए ये रूट के पूरे अलग अलग भाग बनाए गए हैं। इन सभी भागों को चार अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन ये सारी स्टोरी जो आपको बताई जा रही है पार्ट्स की, वो टैप रूट के रेफरेंस में बताई जा रही है। इसको आपको और किसी रेफरेंस में याद नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो आपको किसी और फॉर्मेट में याद नहीं करना, ये अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आई? सबसे पहले रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और सबसे नीचे रूट कैप। तो मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ बताता हूँ। टैप रूट में सबसे निचला हिस्सा होता है रूट कैप, और ये टिम्बल शेप होता है, जैसे अंगूठा होता है ना ऐसे। देखिए ये रख के बताता हूँ मैं, ऐसे ये अंगूठा ऐसे रख दिया, ऐसे अंगूठे की तरह, ये ऐसे जैसे हमारा अंगूठा ऐसे ही हो, है ना। इस तरह से पाया जाता है ये स्ट्रक्चर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है रूट कैप, क्योंकि रूट कैप हमारे सिर में जैसे कैप होती है, और हम उस कैप की क्या यूज़ करते हैं, धूप से बचाती है हमको, हमारे आँखों में धूप नहीं लगती ऐसे, वैसे ही ये रूट कैप क्या करती है, प्लांट की रूट को बचाती है। प्लांट के रूट के किस हिस्से को बचाती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को बचाती है। कैसे बचाती है, ये जब ग्रोथ होती है नीचे की तरफ, तो ग्रोथ होने में क्या होता है, नीचे मिट्टी के नीचे बहुत रफ एरिया है, बहुत बड़े बड़े ग्रेवल्स हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, और जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है ये बहुत नाजुक है, ये डैमेज हो सकता है, ये नष्ट हो सकता है, ये खराब हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जाता है, एक रूट कैप पाया जाता है, ताकि वो नष्ट ना हो। और दूसरा एक और काम, रूट कैप सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज भी करता है। उसके सिक्रीशन से क्या होता है, उसके सिक्रीशन से मिट्टी मुलायम हो जाती है, क्योंकि म्यूसिलेज जाएगा तो मिट्टी मुलायम हो जाएगी, और जब मिट्टी मुलायम हो जाएगी तो रूट को पेनिट्रेट करने में, जमीन के अंदर जाने में, ऐसे घुसने में उसको बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि रूट कैप सीक्रेट करता है म्यूसिलेज। अब आपको यहाँ पर एक बात बताना और बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ पर रूट कैप होती हैं, जहाँ पर रूट कैप पाई जाती हैं, जो सीक्रीशन के काम में इन्वॉल्व हैं, उन रूट कैप की सेल्स के अंदर गॉल्जी बॉडी का काउंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। हर वो सेल जो सिक्रीटरी नेचर की है, ज़्यादा सिक्रीशन करती है, वहाँ गॉल्जी बॉडी ज़्यादा ही होंगे, और गॉल्जी बॉडी ज़्यादा होने का सीधा संबंध है ज़्यादा सिक्रीशन से। एक बात, दूसरी बात, गॉल्जी बॉडी रिच। अब गॉल्जी बॉडी रिच हिस्सा है, सिक्रीशन करता है, वो सब चीज़ें हो गई। अगर किसी कारण से ये रूट कैप नष्ट हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं होती, मतलब रूट कैप नॉट रीजनरेटेड, बिकॉज जितनी भी सेल्स होती हैं रूट कैप की सब परमानेंट होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक नहीं होती, नॉन
मेरिस्टेमेटिक। अब दूसरी बात, इसके ठीक ऊपर, लेकिन हाँ, जिन प्लांट्स को पानी में रहना है, एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट्स, उनमें रूट कैप नहीं पाई जाती। तो कोई बताएगा हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हाइड्रोफाइट को रूट कैप की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हाइड्रोफाइट को रूट कैप की ज़रूरत नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट कैप है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, और पानी में जब रहोगे तो वहाँ थोड़ी कंकड़ पत्थर है पानी में तैरते हुए, कंकड़ पत्थर तो ज़मीन में होते हैं, तो जो पानी में तैरने वाले पौधे उनको कहाँ कंकड़ पत्थर मिलेगा, इसीलिए उनको रूट कैप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको पता है उनमें रूट कैप के स्थान पर क्या पाया जाता है? कोई बताए? बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई करें। तेजपाल टॉक ने बताया रूट पॉकेट, बिल्कुल सही। और तेजपाल जी, आपसे ही एक और जवाब पूछते हैं कि रूट पॉकेट किस पर्टिकुलर प्लांट में पाई जाती है, उस पर्टिकुलर प्लांट का नाम बताओ। अनुराग ने पूछा है रूट का स्ट्रक्चर थंब जैसा क्यों होता है? सवाल गलत है, रूट का स्ट्रक्चर थंब जैसा नहीं होता, रूट कैप का स्ट्रक्चर थंब जैसा होता है। अर्पित बताओ बेटा, तुमसे मुझे उम्मीद है सही जवाब की। रूट कैप बोलो भाई, आई एम आस्किंग प्लांट का नाम, पेंडेनस। बहुत बढ़िया, देखिए बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, यहाँ लोग खेल तमाशा करने आते हैं, लेकिन आई रिस्पेक्ट सम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। पेडेमोस्टोन, क्या बात है, पेंडेनस इज अ वेरी कॉमन, पेंडेनस याद कर लो, बहुत है। मैक्सिमम उन लोगों की औकात पेंडेनस तक ही है जो तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, NTA वाले, नीट वाले, बस उनकी मैक्सिमम लिमिट पेंडेनस तक है, वो आगे नहीं जाएंगे। अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वो पार्ट है रूट का जहां पर सेल प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति मिनट, जिंदगी भर जब तक हैं तब तक डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन वृद्धि नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। ये अजीब बात है ना कि सेल डिवाइड हो रही है लेकिन इस रीजन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ वाला रीजन बच्चों ऊपर है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो यहाँ पर ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर 10 सेल हैं, इसने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ सेल हो गई 20, उसमें से 10 मेरिस्टेमेटिक हैं, 10 इलोंगेशन में बदल गई, फिर ये 10 ने डिवाइड किया तो सेल कितनी हो गई, 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, नीचे वाली 10 मेरिस्टेमेटिक हैं, ऊपर वाली दोनों इलोंगेशन में बदल गई, फिर नीचे वाली 10 ने डिवाइड किया, कितनी हो गई, 40 सेल्स हो गई, ये देखिए 40 हो गई, 10, 10, 10, 10, नीचे वाली 10 मेरिस्टेमेटिक है, ऊपर वाली क्या बदल गई, इलोंगेशन। जितनी प्रारंभ में मेरिस्टेमेटिक सेल थी उतनी अभी भी, लेकिन रूट कितनी लंबी हो गई, लेकिन मेरिस्टेमेटिक रीजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो पहली भी उतनी बड़ी थी, आज भी उतनी ही बड़ी। अरे सुन रहे हो ना, तो अगर परीक्षा में सवाल आए सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दिखती है, तो आपको बताना होगा इलोंगेशन में, आपको जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे करके आएंगे, मुझे पता है, टेस्ट होगा जब, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में सबसे ज्यादा वृद्धि क्यों नजर आती है, क्योंकि वहीं पर सेल इलोंगेट और डिफ्रेंशिएट हो रही है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सेल का एक ही काम है, डिवाइड 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 और सिर्फ डिवाइड होना, वो डिवाइड ही होती रहती है। अब एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, दूसरी बात क्या समझने वाली है, कि इसी रीजन में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्वेसेंट सेंटर, उसको बोलते हैं शांत क्षेत्र, और उसी क्वेसेंट सेंटर में पाई जाने वाली सेल्स जीनोट फेज में होती हैं, माने यहां पर पाई जाने वाली सेल्स
जी नॉट फेज में पाई जाती है। अब जी नॉट फेज आपको पता होगा सेल डिवीजन में, मैं आपको बताऊंगा जी नॉट फेज में। अब आगे चलें, ओके देखिए मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया आपको कि रूट कैप ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाए जाते, सिंपल। पेंडेनस का नाम याद रखिए, रूट पॉकेट्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या है, सेल्स बहुत छोटी हैं, डिवाइड होती हैं लगातार और संख्या में बढ़ती रहती हैं और बाद में वो इलोंगेट हो जाती हैं। अगला रीजन ऑफ इलोंगेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पर सबसे तेज ग्रोथ होती है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ द रूट, रूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे ऊपर का हिस्सा कहलाता है मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर जोन, और यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जरा, ये रूट हेयर्स हैं, और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, पानी अब्सॉर्ब करते हैं। रूट हेयर पानी एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एग्जाम में अगर रूट हेयर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, तीन पॉइंट में बता रहा हूं। नंबर एक, जो रूट हेयर होते हैं, नंबर एक वो होते हैं यूनिसेलुलर, पहला पॉइंट। दूसरा, रूट हेयर कैसे होते हैं, ये होते हैं, दूसरी बात, एक्सोजीनस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे होते हैं रूट हेयर्स, ये इफीमरेल होते हैं। ये तीन पॉइंट से ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये चाहो तो याद कर सकते हो। एक पॉइंट और कि ये एक्सपेंशन ऑफ एपिडर्मिस भी है, एक्सपेंशन ऑफ एपिडर्मिस की तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं, ये एपिडर्मिस का एक्सपेंशन भी है। बात समझ में आ गई। अब अगर ये मैं पूछूं कि ये इसका क्या मतलब है, माने ऐसे एपिडर्मिस है ये, और इसी एपिडर्मिस से ऐसे ये रूट हेयर निकल आते हैं, तो ये यूनिसेलुलर ही माने जाएंगे, ऐसे एपिडर्मिस से ही बने हैं तो ये यूनिसेलुलर ही माने जाएंगे। ये देखिए ऐसा, ये पूरी एपिडर्मिस का ही एक्सपेंशन है, ये देखिए, तो एक ही सेल के बने हुए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, एक्सोजीनस, ये अंदर की तरफ नहीं गए, ये बाहर की तरफ आए और सबसे बाहरी लेयर से बने हैं, तो एक्सोजीनस है। इफीमरल, इफीमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते, ये होते हैं शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिफ्ट। और सबसे लास्ट में ये एपिडर्मिस के एक्सपेंशन से बने। बात समझ में आ गई, पानी यहीं से अब्सॉर्ब होगा। कई बार मैंने पूछा है बच्चों से, आप एक बार मैं और पूछ लेता हूं, इनके इफीमरेल होने का क्या फायदा, रूट के इफीमरेल होने का क्या फायदा, रूट हेयर्स का इफीमरेल होने का क्या बेनिफिट, बेनिफिट बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया अर्पित ने, ये रीजनरेट अगेन एंड अगेन। देखिए इसको मैं समझा देता हूं, इधर यहां मैं थोड़ा सा बात समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए रूट की लंबाई अभी इतनी है,
फिर रूट की लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई, फिर रूट की लंबाई थोड़ी और ज़्यादा हो गई, और फिर रूट की लंबाई और ज़्यादा हो गई। रूट इतनी लंबी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले पानी यहाँ तक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर पानी थोड़ा नीचे हो गया, फिर पानी थोड़ा और नीचे, पानी नीचे की तरफ होता चला जा रहा है। तो जब पानी यहाँ था तो रूट हेयर भी यहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ के रूट हेयर मर गए और यहाँ नए रूट हेयर बन गए, फिर यहाँ के भी रूट हेयर मर गए और यहाँ नए रूट हेयर बन गए, फिर यहाँ के रूट हेयर मर जाएंगे और यहाँ पर नए रूट हेयर फिर से बन जाएंगे। और अगर लॉन्ग लिव्ड होंगे तो वो बने रहेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं बेकार में। तो इसीलिए उनकी एज भी, उनका लाइफ स्पैन भी उनको इफीमरेल कर दिया गया, शॉर्ट लिव्ड कर दिया गया, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग जो हमने खोल के रखी है उसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, खाना इकट्ठा करना हो तो देखिए, खाना इकट्ठा करना हो तो तीन रूप से खाना इकट्ठा होगा, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, नेपी फॉर्म। जब मैं फ्यूजी फॉर्म की बात करता हूँ इसका मतलब हुआ थिकर इन द मिड, बीच में मोटी होती है ये, दोनों तरफ संकरी होती है, इधर भी इधर भी। इसका एग्जाम्पल है रेडिस, फ्यूजी फॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिस। कॉनिकल, कॉनिकल में कोन की तरह ऐसे ऐसे ऐसे, कॉनिकल। इसका एग्जाम्पल है कॉनिकल का कैरेट, थिकर इन अपर साइज एंड टैपरिंग ऑन अदर साइड। एंड द नेक्स्ट इज द नेपी फॉर्म, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, इस तरह से स्फेरिकल है, इसको बोलते हैं टर्निप, टर्निप की तरह, टर्निप इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीनों, अब तीनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस बताएं तो जो फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज वो अलग अलग ढंग से हो रहा है। जो मैंने बताया रेडिस में, मूली में, जैसा कि बना भी है आप देख भी सकते हो, मूली में खाना बीच में ज़्यादा स्टोर हो रहा है, बकाया दोनों तरफ खाना कम इकट्ठा, इधर भी और इधर भी खाना कम इकट्ठा, यहाँ खाना ज़्यादा इकट्ठा। लेकिन गाजर की बनावट में आप देखो, गाजर की बनावट में, गाजर में खाना ऊपर की तरफ ज़्यादा इकट्ठा होता है, यहाँ पर ये गाजर हो गया। तो गाजर का अलग, मूली का अलग। और अगर हम बात करें सबसे लास्ट में नेपी फॉर्म, तो उसमें इट लाइक स्फेरिकल, लाइक दिस। तो तीनों में खाना इकट्ठा करने के ढंग में फर्क है, बस आपको यही पॉइंट पकड़ के बैठ जाना है एग्जाम में, कि नेपी फॉर्म का एग्जाम्पल फूजी फॉर्म और कॉनिकल है ना। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे भी रूट हैं जो कि खाना इकट्ठा करने के लिए होते हैं, लेकिन उनकी बनावट वैसी नहीं होती जैसी फ्यूजी फॉर्म और नेपी फॉर्म की होती है। उसमें एक तो मिराबिलिस है, एक पी बिन ग्राम है। तो ट्यूबरस का पहले समझाता हूँ मैं। अब इसकी आप बनावट देखिए, ये ट्यूब लाइक है, ये ट्यूबरस है, इसको आप कॉनिकल नहीं कह सकते, देखने में कॉनिकल की तरह लग रहा है, लेकिन देखिए इधर भी उभरा हुआ है ना, इधर भी उभरा हुआ है, यहाँ भी उभार है, फिर ऐसे उभरा है। इसकी बनावट में काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए अलग आपको दिख रही होंगी, ये देखिए, बात समझ में आई। तो ये इसको रखेंगे हम लोग ट्यूबरस कैटेगरी में। इसको बोलते हैं कोई भी रेगुलर शेप फिक्स नहीं होता इसमें, इसी को बोलते हैं अपन ट्यूबरस। एग्जाम्पल मिराबिलिस, मिराबिलिस की रूट इस तरह से ट्यूबरस होती हैं। और अगली है नोड्यूलेटेड। अब देखिए नोड्यूलेटेड, ये सॉयल का सरफेस हो गया, जमीन के अंदर रूट हो गई, इसमें ऐसे ब्रांचेज आ गई और इन्हीं ब्रांचेस पर देखिए नोड्यूल बने हुए, ये नोड्यूल देख रहे हैं आप, ये नोड्यूल बने हुए, और इन्हीं नोड्यूल से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म। इसमें पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। बात समझ में आई, ये हो गई नोड्यूलेटेड रूट। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी फैबेसी फैमिली के मेंबर हैं
फैबेसी फैमिली के मेंबर, उन सब में आपको ये एग्जांपल अप्लाई कर देना है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। फैबेसी फैमिली में दालें, जो भी आपको पसंदीदा दाल हो, कौन सी दाल पसंद है आपको, चाहे अरहर की दाल पसंद हो, चने की दाल पसंद हो, सारी दाल वाले प्लांट्स में नोड्यूलेटेड रूट्स पाई जाती हैं। अब देखिए आगे क्या लिखता है, यह भी एक प्रकार का रूट मॉडिफिकेशन है। टैप रूट आर मॉडिफाइड फॉर रिस्पिरेशन एंड मैनग्रूव प्लांट वेयर ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। इन सच प्लांट रूट वर्टिकली ग्रो अपवर्ड एंड कम ऑन द सरफेस, इनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए दलदल में पाए जाने वाले पौधे, ये दलदल में पाए जाने वाले पौधे हैं, इनकी जमीन में मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी है, तो बेचारे इनकी जड़ों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। जड़ों को ऑक्सीजन मिलने के लिए ज़रूरी है कि जड़ें जमीन के बाहर आएं, और जड़ें जमीन के बाहर आ जाती हैं, और जब जड़ें जमीन के बाहर आती हैं तो बाहर ऑक्सीजन रहती है, 21% लगभग ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और वो ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ में आई, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। ये जो ऐसे जमीन के बाहर निकले हैं, ये रूट हैं, इन्हीं का नाम होता है न्यूमेटोफोर। यही न्यूमेटोफोर्स हैं, ये देखिए ऐसे, ये न्यूमेटोफोर है। और न्यूमेटोफोर में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिन पोर से ऑक्सीजन आती जाती है। इस आने जाने वाली ऑक्सीजन के इस पोर का नाम होता है न्यूमेटोथोर्स। न्यूमेटोथोर्स और न्यूमेटोफोर में क्या डिफरेंस है, न्यूमेटोफोर फिंगर लाइक होते हैं, उंगली की तरह, और न्यूमेटोथोर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से क्या होता है, जिनकी मदद से ऑक्सीजन एक्सचेंज किया जाता है। एग्जाम्पल सोनेरिटिया एंड राइजोफोरा, बोथ आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर दीज एबनॉर्मल काइंड ऑफ रूट दैट कम्स आउट फ्रॉम द सॉयल सर्फेस, क्योंकि ज़्यादातर रूट पानी मिट्टी के अंदर रहती हैं, ये मिट्टी के बाहर आ जाती हैं। तो देखिए राइजोफोरा एंड सोनेरिटिया शो वीवी पेरी ऑफ सीड, सो दीज सीड आर नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। मिट्टी बहुत ख़राब है क्योंकि दलदली है, और प्लांट ऐसे है, प्लांट है, प्लांट में रूट अपना निकल आती हैं, अपना काम करती हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब इससे बीज बनेगा और सीड जमीन में गिरेगा तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। तो सीड क्या करता है, सीड के ऊपर क्या होता है, सीड के ऊपर होता है फ्रूट, सीड के ऊपर क्या होता है फ्रूट। तो होता यह है, होता यह है कि जो सीड है और जो फ्रूट है, इस सीड के चारों ओर जो फ्रूट पाया जाता है, उस फ्रूट के अंदर ही सीड का क्या शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन। क्या शुरू हो गया, जर्मिनेशन। और जब सीड के अंदर उसका जर्मिनेशन शुरू हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो जर्मिनेशन हो रहा है, इस जर्मिनेशन की वजह से, इस जर्मिनेशन की वजह से जब ये नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत तो पहले ही हो चुका है जर्मिनेट। अब मिट्टी थोड़ी बहुत अगर टफ भी है, सिचुएशन हार्श भी हैं, तब भी प्लांट पनप जाएगा, ग्रो कर जाएगा और अपने आप को बचा ले जाएगा, वरना वो मर जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना, माने वीवी पेरी इसी को बोलते हैं, वीवी पेरी का मतलब पेरेंटल केयर, और प्लांट अपने बीज की केयर करता है, गिरने के पहले उसको वहीं पर ग्रो कराना शुरू कर देता है, दिस इज कॉल्ड यू नो वीवी पेरी, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब आएंगे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन।
एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन। और जब मैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले दो हैं, एक फैसिकुलेटेड रूट और एक ट्यूबरस रूट। फैसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फैसिकुलेटेड रूट की। एस्परेगस और डहलिया, आपने देखा होगा कि कुछ रूट ऐसी होती हैं जो फैसिकुलेटेड हैं, गोल गोल फैसिकुलेटेड रूट, और कुछ हैं ट्यूबरस। कुछ रूट आपने ऐसी देखी होंगी ट्यूबरस, ट्यूब की तरह है। शकरकंद जो देखा है आपने, शकरकंद दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबरस रूट, और डहलिया की जो रूट देखी है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फैसिकुलेटेड रूट। तो दोनों ही खाना इकट्ठा करती हैं, बनावट में फर्क है, उनके मॉर्फोलॉजी में फर्क है, इसीलिए इसको कहते हैं फैसिकुलेटेड और इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों के एग्जाम्पल। अब आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में और भी मॉडिफिकेशन, दो तो मैंने बता दिए खाना इकट्ठा करने वाले, अब दो और हैं, ये हैं सपोर्ट करने वाले, ये हैं सपोर्ट। सपोर्ट में दो हैं, एक स्टिल्ट और एक प्रॉप। तो स्टिल्ट रूट जैसे कोई खंभा होता है, कोई पिलर होता है, उस खंभे को गिरने से बचाना है तो क्या करते हैं, उसके चारों ओर रस्सियां बांध देते हैं और मजबूती से बांधने के बाद वो खंभा गिरता नहीं है। वैसे ही कोई ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, ऊंचा सा ट्री है बड़ा सा, उस ट्री को गिरने से बचाना है तो उसमें देखिए इस तरह से जमीन में रस्सियां की तरह स्टिल्ट रूट होती है। यह स्टिल्ट रूट रोप लाइक सपोर्ट करती हैं, जैसे कोई खंभा गिर ना जाए, कोई पिलर लुढ़क ना जाए, उसको बचाने के लिए काम होता है, वैसे ही ये पाई जाती है। तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो दीज रूट राइजेस फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम एंड इंटर इन द सॉयल, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, जैसे कि मक्के में, जैसे कि केन में। बात समझ में आ गई, मक्के में और केन में पाई जाती है, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। आगे चलते हैं और आगे देखिए, एक होती है प्रॉप रूट। अगर मैं प्रॉप रूट समझाऊं, प्रॉप रूट क्या है, तो ये भी एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है प्रॉप रूट भी, लेकिन ये बरगद में होती है। अब बरगद का ट्री, कोई जो बड़ा बरगद का ट्री है, मान लो ऐसे ये बरगद का ट्री है, तो अगर ट्री बरगद का बड़ा हो गया तो स्टेम पूरा संभाल नहीं पाएगा बरगद के ट्री को, इधर वो गिर सकता है। तो इसकी जो ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनसे रूट निकलती हैं और जमीन में आ जाती हैं और जमीन में घुस जाती हैं, और जैसे पिलर एक सपोर्ट देता है, वो वाला जो था स्टिल्ट रूट मैंने क्या बताया, रोप लाइक सपोर्ट, लेकिन जो प्रॉप रूट हैं वो क्या हैं, पिलर लाइक सपोर्ट देती हैं, खंभे की तरह सहारा देती हैं। तो देखिए, हैंगिंग रूट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द मेन पार्ट एंड दे आर सपोर्टिव रूट, एग्जाम्पल बनियान। ये देखिए जैसे पिलर है ना सहारा देने वाली, ये देखिए पिलर लाइक रूट, ऐसे इनको बोलते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, और भी रूट हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग रूट, चढ़ने वाली, मनी प्लांट में पाई जाती हैं, किसी सहारे को दीजिए तो मनी प्लांट उसके पर लिपट के आगे चढ़ जाता है, उस पर ऐसे छोटी छोटी चढ़ने वाली रूट्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। और ब्लैक पीपर में पाई जाती हैं, मोनिस्ट्रा नमक प्लांट्स में पाई जाती हैं। अगला फोलियर रूट्स, रूट अराइजेस फ्रॉम द लीफ। पत्ती देखिए ब्रायोफिलम की, उस पत्ती के किनारे से ऐसे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग फोलियर लीव्स। और पैरासिटिक लीव्स जो कस्कुटा में और विस्कम में पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक लीफ। तो ये अलग अलग प्रकार की लीफ हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक लीफ ही इसमें हॉस्टोरिया डेवलप कर लेती हैं और अपने पेरेंट प्लांट के अंदर घुस करके उससे खाना एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए इनको पैरासिटिक रूट कहा जाता है। रूट के बहुत सारे काम हैं, जैसे फिक्सेशन, मैंने पहले ही बताया, प्लांट को एक जगह फिक्स करना ताकि प्लांट मूव ना कर सके, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, जरूरत पड़ने पर खाना इकट्ठा करना, कभी कभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, और कुछ प्लांट में तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं, उनको एसिमिलेटरी रूट कहा जाता है,
जैसे कि ट्रॉपा और ट्यूनोस्पोरा। और कुछ प्लांट्स में रूट में रिप्रोडक्शन की क्षमता भी पाई जाती है, जैसे स्वीट पोटैटो में और डहेलिया में, क्योंकि इनकी रूट्स में बड भी होती है, रूट बड्स। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को आपने एक बार फिर से सुना, समझा और लर्न किया। आई होप अब आप रूट के किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए और बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू अनअकैडमी प्लेसिबो, और मेरा कोड मत भूलिएगा Amit10, और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी भी ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर? फ्री ऑफर। उस फ्री ऑफर में आप 7 दिनों के लिए अनअकैडमी का प्लस कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उसके बेस्ट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू।